कोई डरने की जरूरत नहीं है। इस पेशेंट को विदेश से सस्पेंडेड एनिमेशन में लाया गया है। इस पेशेंट को मेरे पास लिम्ब ट्रांसप्लांट करवाने के लिए लाया गया और थोड़ी देर में इसको होश आ जाएगा। क्या हुआ? वो भी उठने वाले हैं। हेलो फ्रैंकेनस्टाइन, क्या आप मुझे बता सकते हैं बाहर कैसा चल रहा है? हमारा प्रेसिडेंट कैसे है? वो अब तक मास्को में है क्या? मिस्टर प्रेसिडेंट पेकिंग में उनके समर पैलेस में रहते हैं। वो सबको पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे सभी को सिर्फ आप पसंद है। बैटलगा हर्मन, आप इस रेस के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप सोचते हैं कि इस पूरी कैलिफोर्निया में आप इस रेस में पहली आएंगी? आज कैलिफोर्निया, कल सारी दुनिया में। हेलो हर्मन, चलो देखते हैं तुम्हारे बस बॉम में इस साल भी दिखाने लायक कुछ है या नहीं। पता नहीं कौन तुम्हारे गाड़ी को बुल नाम दिया है, बिल्कुल भी जच नहीं रहा। फ्रैंकेनस्टाइन, क्या प्रेसिडेंट विनर को प्राइज देने के लिए यहाँ पे आएंगे? हाँ बिल्कुल। आपका नया मैकेनिकल हैंड रखे 20 सेकंड के अंदर आप क्रिएट को शिफ्ट कर सकता है, ये सच्चाई है क्या? इसके बारे में कुछ बोलो ना। नहीं। एक अनजान नेविगेटर के साथ आपका सोच क्या है, इसके बारे में कुछ बोलो ना। एनी को पसंद करो, वो एकदम सेक्स बॉम्ब है। वो एक रेड हॉट नेविगेटर होनी चाहिए। और कोई प्रश्न नहीं। ये आ गया हमारा शेर। ये गाड़ी को चलाते आ रहे हैं हमारे हीरो लैनिगन। हालांकि इन्होंने ट्रांसकॉन्टिनेंटल में जीता नहीं है, मगर सीजन में टॉरंटो में 3 बार जीते हैं, इसलिए तो उनके पास एक नई गाड़ी भी है। तो मैं सोचता हूँ कि इस बार नीरो पक्का जीतेंगे। अरे चुप बैठो, मेरे फैन मुझे भी देखने तो दो। मेरे फैंस मुझे देखेंगे। क्यों, इससे पहले तुम्हें उन्होंने देखा नहीं क्या? एनी स्मिथ, मिस्टर फ्रैंकेनस्टाइन, मैंने पूरे कार को चेक कर दिया, सब कुछ परफेक्ट है, मेरे पास रूट मैप भी है। एक मिनट, मैं चेक करता हूँ। जाने से पहले सब कुछ मेरे लिए परफेक्ट है, चेक करेंगे। मुझसे जितना हो सके हाई प्रोटीन कैप्सूल्स और एड्रेनालिन टैबलेट्स को मैंने कलेक्ट किया है। उसके साथ मैंने मेडिकल किट को भी तैयार किया है, एक प्रिकॉशन के लिए नर्स का ट्रेनिंग भी लिया है। मुझे नर्स की जरूरत नहीं है, नेविगेटर की जरूरत है। मिस्टर फ्रैंकेनस्टाइन, आप अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, उसी तरह मैं भी अपने काम में अच्छी हूँ। देखते हैं। इधर देखो, वो आ रहा है। ये आ रहे हैं फ्रैंकेनस्टाइन, फ्रैंकेनस्टाइन द लेजेंड, फ्रैंकेनस्टाइन द इंडिस्ट्रक्टिबल। पहली बार की बहुत बुरी तरह से हार चुके हैं, मगर उसके परवाह किए बगैर इस रेस में फिर से शामिल हो रहे हैं। उन्होंने मौत को चकमा दिखाया है, मगर 1998 में उन्होंने अपना एक पैर खो दिया और 1999 में उनका हाथ भी। अभी उनके पास सिर्फ आधा चेहरा और आधा दिल है, मगर पूरी हिम्मत के साथ इस रेस में वो फिर से भाग ले रहे हैं। मगर उस नकाब के नीचे वो कैसे हैं सिर्फ बकवास को पता है, मगर बात यही है कि वो इस रेस में आ गए। तरफ से ये बोलना चाहता हूँ कि अमेरिकन जनता आपसे बहुत प्यार करती है फ्रैंकेनस्टाइन। इसके लिए तुम पछताओगे जो। इस रेस के लिए तैयार रहिए रेसिंग फैंस, और ये टीवी वीडियो का सैटेलाइट इस रेस के हर एक छोटे चीज को आपको बिल्कुल दिखाएगा। हमारे न्यूयॉर्क मेमोरियल रेस के लिए ये पूरे 5 कार बिल्कुल तैयार हैं। रेस को शुरू किया जाए।